मित्रों नमस्कार, मैं हूं भानु प्रताप सिंह। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए ऐसी शख्सियत मौजूद है जो एक गृहिणी हैं, नई बहू हैं और पॉलिटिकली बहुत सक्रिय हैं। उनका बहुत नाम है इस क्षेत्र में, आगरा क्षेत्र में, और उनकी विदाई आगरा में चर्चा का विषय बनी। शादी होने के बाद उनकी विदाई हेलीकॉप्टर में हुई। वे आगरा के जाने माने राजनेता ठाकुर भानु प्रताप सिंह के पुत्रवधू हैं, जितेंद्र सिंह चौहान की पत्नी हैं। उनसे जानेंगे उनके निजी जीवन के बारे में। उनका नाम बहुत चर्चा में समय इसलिए है कि वो खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की टिकट की दावेदार हैं। इसके पीछे क्या रहस्य है, उनके जीवन में क्या क्या नया घटा है, क्या क्या पुराना घटा है, बहुत सारी बातों से जानने का प्रयास करेंगे। आइए उसे बात करते हैं। श्रीमती मोनिका सिंह सिकरवा, आपका स्वागत है। मोनिका जी नमस्ते। मेरा पहला सवाल, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? भाई साहब, लक्ष्य तो अनेक हो जाते हैं। हाँ। पर मेरा जो एक लक्ष्य है वो है समाज की सेवा करना। अच्छा। हमारे समाज में जैसे कुछ लोग समाज से बिल्कुल पिछड़ गए हैं, समाज की मुख्य धारा में उनको आने में बड़ा समय लग रहा है, या वो बिल्कुल मुख्य धारा से बिल्कुल ही अलग है, जिनको हम सेवा बस्ती का नाम दे देते हैं। और मैं चाहती हूँ कि ऐसे मुझे कार्य करने को मिले कि हमारा वो समाज एक मुख्य धारा में आ सके। आपने समाज सेवा की बात की, आपको प्रोजेक्ट किया जा रहा है टिकट के दावेदार के रूप में, तो ये दोनों फिर कैसे सामंजस्य बैठ रहा है? नहीं, तो समाज सेवा तो किसी भी रूप में हो सकती है। वो तो एक शिक्षक भी करता है, एक डॉक्टर भी करता है, हर तरीके से की जाती है। बस ये है कि उस समय हमारे भाव क्या होते हैं। क्या आप पॉलिटिशियन बनना चाहते थे या चाहते हैं? नहीं, पॉलिटिशियन बनना चाहते थे, चाहते हैं, पर ये नहीं कि समाज से अलग होके। ओके। हाँ, समाज में रह के और समाज की सेवा करके। तो पॉलिटिक्स में समाज सेवा करना चाहते हैं? हाँ जी। पर लेकिन सुनते हैं कि पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है इस समय तो। नहीं, इन्वेस्टमेंट के लिए ईश्वर ही एक अपना इन्वेस्टमेंट है मेरे लिए। ठीक है, कि भोजन में आप इन्वेस्टमेंट के लिए ईश्वर ही एक अपना इन्वेस्टमेंट है मेरे लिए। ठीक है, कि भोजन में आपको ज्यादा क्या पसंद आता है? भोजन में सबसे ज़्यादा क्या पसंद आता है? अब भोजन में वैसे मम्मी के हाथ के आलू के पराठे बहुत पसंद है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो कभी आप, आपके अभी नई शादी हुई है तो हाँ। पति ने खाना बना के खिलाया आपको, नहीं खिलाया? नहीं, पति से तो मौका नहीं मिला, पर सास मेरी जरूर रोज रोज कुछ ना कुछ नया खिलाती है। आपने खिलाया पति को बना के क्या? हाँ। अच्छा, ओके। तो आपने मम्मी की बात की, सास की बात की, तो दोनों के खाने में क्या अंतर है? मम्मी की अपनी बात है। हाँ। पर इस समय जो मेरी सास की आंखों में जो प्यार दिखता है ना, वो अलग ही, मतलब उसको देख के एक अलग ही भाव आता है कि ये इतनी केयरिंग और इतना प्यार। दिन भर उनके दिमाग में यही रहता है कि मैं कुछ अच्छा बना दूं इसके लिए, मैं कुछ अच्छा कर दूं इसके लिए। पूरे दिन कुछ ना कुछ उनके दिमाग में रहता है, इसने स्वेटर पहना, इसने ये प्यार एक अलग तरीके से ही रहता है, ऐसा लगता है कि उनको संबोधित कर रखा है क्या। हाँ, वैसे वो मेरा, उन्होंने मेरा नाम नया रखा है अभी। हाँ, मेरी सास ने मेरा नाम रखा है, उन्होंने मोहिनी, तो अब ये कह सकते हैं। तो ये भी आप कह सकते हैं कि अभी चर्चा है कि आप सर्दी में रोज नहाते नहीं है। सही बात है। वो थोड़ा पति से नोकझोंक करने का तरीका है, वैसे ऐसा कुछ नहीं है। तो रोज नहाते हैं? जी बिल्कुल, सर्दी या गर्मी कुछ भी हो। हाँ, पति रोज गर्म पानी बाथरूम में लगाए आते हैं तो हम नहा लेते हैं। तो आपको घूमने कहीं जाना सबसे ज्यादा, कहाँ जाना पसंद करना घूमने के लिए, भ्रमण के लिए, पहाड़ों पर, समुद्र में? नहीं, हरियाली देखने? हरियाली तो हो ही हो, पर साथ में जहाँ अगर शिव जी का मंदिर हो। अच्छा। और गंगा जी का किनारा हो तो हम वहाँ जीवन व्यतीत कर सकते हैं, वही हमारे लिए घूमने की जगह है, कुछ ऐसा ही हो। आपकी हॉबीज क्या क्या है? हॉबीज क्या क्या है? हॉबीज में वैसे मुझे किचन में रहना बहुत पसंद है। ऐसा लगता है घर में सबसे शांति की जगह वही है। करने वाला नहीं है, अकेले किचन। हाँ, वो सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने की जगह है। तो आपका पसंदीदा गाना हो, भजन हो, कोई पसंदीदा गाना या भजन? पसंदीदा भजन, वो एक भजन है ना कि नहीं, वो एक भजन है कि अब सौंप दिया सब कुछ तेरे हाथों में, वो भगवान जी कहते हैं। हाँ, वो भगवान को बोलते हैं ना, मीरा जी, हाँ, जीत तुम्हारे हाथों में, हार तुम्हारे, तो भगवान को जो मंजूर हो वही है। आपकी प्रवृत्ति धार्मिक है, ऐसा मानते हैं क्या? जी भाई साहब,
क्यों, ये कैसे हुआ, धार्मिकपन कैसे आया जीवन में? बचपन से मैंने मम्मी को बहुत पूजा करते हुए देखा। जैसे गुरुवार है आज, तो हमारे यहाँ केले का पेड़ था, मम्मी सुबह ही जग के उसके पास दिया जलाती थी, कथा पढ़ती थी और फिर हमको बिठा लेते और कथा पूरी हो जाए तब प्रसाद लेके उठना, या सोमवार है तो शिवलिंग पर जल चढ़ाना, उसका अभिषेक करना। तो इस तरीके से बड़ा देखा बचपन से मैंने, मम्मी को बड़ी पूजा करती थी, तो धीरे धीरे उनसे सीखते चले गए और भगवान से एक अलग ही आस्था। अपने भजन की बात, लेकिन नहाते समय लोग बहुत गुनगुनाते हैं, ऐसा कुछ करते हैं क्या? हाँ, मैं तो डेली भजन सुन के ही ना पाती हूँ। नाते समय भजन गुण हाँ 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 कौन सा भाई? जी जी हाँ 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 जी। आपकी नज़र में सबसे अच्छा अभिनेता, फिल्मी अभिनेता कौन है? भाई साहब, खुद में ही अभिनेता होना एक बड़ी बात है। तो वैसे तो अमिताभ बच्चन को मैं बहुत, सबसे अच्छी अभिनेता अभिनेत्री हेमा मालिनी। सबसे अच्छा नेता कौन सा लगता है सबसे अच्छा आपको? अटल बिहारी वाजपेयी। अच्छे अच्छे लगते हैं वो, तो अब नहीं रहे। नहीं रहे, फिर भी उनकी बात करें तो, वर्तमान की बात की जाए तो मुझे अपने ससुर में बहुत कुछ नजर आता है। मतलब ससुर आपके भानु प्रताप सिंह जी, बिल्कुल। वो मुझे लगता है कि हम लोगों के लिए एक प्रेरणा है हमारे परिवार में ना। हम लोगों को वो शाम को बिठाते हैं और अपने जीवन का कुछ ना कुछ बताते हैं, तो वो हमारे प्रेरणा है हमारे लिए जीवन की। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है सर। आमतौर पर महिला अपने ससुर से बहुत नाराज रहती है, बुराई करती है, आप तारीफ कर रहे हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। ईश्वर ऐसे ससुर सबको दे जी। मुझे वस्त्रों में सबसे अच्छा रंग कौन सा लगता है आपको? वस्त्रों में मुझे पीला रंग बहुत पसंद। पीला रंग, पीला रंग तो ये साधुता का प्रतीक है। तो हाँ, तो यही समय बताया ना, गंगा जी का किनारा और भोले बाबा हो और पीले रंग के कपड़े हो। आपको किससे डर लगता है और क्यों? किससे डर लगता है और क्यों? वैसे मुझे डर नहीं लगता है, सत्य तो ये है, पर अगर डर किसी से लगता है तो किसी का बुरा करने से डर लगता है। अच्छा, हाँ। कॉलेज लाइफ में कोई पुरुष मित्र बना आपका क्या? अब भाई साहब क्या करें, ऐसा संभव नहीं हो पाया। थोड़े उद्यमी ज्यादा थे, लड़ाई झगड़े ज्यादा कर लेते थे। को देखकर आपने सीटीटी मारी हो कभी? नहीं नहीं नहीं, मतली हुई या क्या हुआ? नहीं, वो भगवान भोले शंकर ने पहले ही एक 6 फुट व्यक्ति मेरी लाइफ में दे रखा था, तो किसी को देख के क्या सीटी मारती है। तो कॉलेज लाइफ में किसी से मारपीट हुई आपकी? मारपीट तो नहीं कहेंगे। और किसी को तंग किया हो आपने? हाँ, तंग बहुत किया है मैंने। क्या किसी को किया? जैसे कॉलेज टाइम में हॉस्टल में काफी झगड़े बेवजह, जैसे जरा सा खाने का टेस्ट खराब हो गया, आज मन किया चलो पूरे मैस की छुट्टी करा देते हैं। अच्छा। आज गार्डन में बैठते हैं और कहते हैं मैस का खाना नहीं खाना है। इस तरीके पूरी मस्ती से गुजारी। हाँ हाँ जी जी हाँ, तभी तो किसी को सीटी नहीं मारनी पड़ी ना, क्योंकि अपने एकदम बहुत थे। आपने लव मैरिज की है? नहीं। तो शादी होने में अंतर रहा? हम लोगों का शादी और सगाई में 15-20 दिन का, 15 दिन। तो पहली बार मिले या पहले से जानते थे क्या? नहीं, हम पहले से जानते थे। पारिवारिक रूप से दोनों परिवार जुड़े हुए हैं, तो वैसे हम एक दूसरे को जानते थे, पर लव मैरिज नहीं है। और हम दोनों मंगली हैं, इस कारण से हमारे दोनों पिताजियों ने सोचा है हमारे दोनों बालक मंगली और इनकी शादी करा दी जाए। तो अभी शादी को बहुत दिन नहीं हुए, महीना भी नहीं हुआ अभी, तो कोई तकरार वाली बात कभी आई क्या? समझी ना समझी कुछ कुछ मुद्दों पर सहमति? नहीं, तकरार जैसा कुछ नहीं है। कभी कभी मैं ना भगवान को ना मन ही मन बैठे बैठे भी ना धन्यवाद देने लगती हूँ कि हे ईश्वर, आपने मतलब इनको देखे ना मुझको बहुत कुछ दे दिया। तो कई जगह मैंने देखा है कि मैं बहुत कुछ होने के बाद भी ना ये मुझको कुछ ऐसा बता देते हैं कि मुझको लगता है। नहीं, मैंने सुना आपके पति जो हैं बहुत शांत स्वभाव के हैं। नहीं, शांत स्वभाव के ना तो वो भोले बाबा वाला काम कर देते हैं मेरे जीवन में। आपकी सेवा श्रेष्ठ है या राजनीति श्रेष्ठ है, दोनों में क्या अच्छा है? नहीं, मेरी सेवा श्रेष्ठ है, चाहे वो परिवार की हो या समाज की हो। और वैसे समाज और परिवार एक ही होते हैं, हमारे यहाँ वसुधै कुटुंब की जो बात कही गई है वो सब एक ही है, तो इसलिए मेरे लिए सेवा श्रेष्ठ है। जैसा हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे क्षण कुछ झूठ बोलना पड़ता है मजबूरी में, बनावटी भी, तो ऐसा कुछ क्षण जीवन में आए हैं झूठ बोलना पड़ता हो?
हाँ क्यों नहीं, कई दिन रहता है, जैसे अभी इन्होंने पूछा कि खाने में कितनी देर है, और देर अभी आधा घंटे की, और हम बोल देते हैं 10 मिनट में पक रहा है, क्योंकि पता है ना आधा घंटे तो इधर उधर कर ही लेंगे। ओके, तो आपका विवाह के बाद एकदम आपका बहुत प्रसिद्धि आपको मिल गई, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? सफलता तो मानते हैं, वो कहते हैं ना कि होता है। मुझे लगता है इनकी शादी से मेरा ना भाग्य खुल गया है, इनके साथ शादी करने से खुल आप विधायक बन जाओ फिर। ये तो समय बताएगा। पर अभी तो मुझे लगता है इनसे शादी का मेरा भाग्य खुल गया है। आपको आगरा पसंद है क्या? जी भाई साहब। क्यों आगरा क्यों पसंद है? हम ताजमहल है आगरा में, जहाँ लोग दूर दूर से देखने आते हैं। हम एक ऐसे शहर में हैं कि जहाँ कहीं भी बोल देंगे हम आगरा से हैं, तो हर कोई परिचित है, हमको बताना नहीं पड़ेगा कि आगरा कहाँ है, क्या है, क्या है आगरा में। कुछ प्रसिद्धियाँ नहीं बतानी, ये अपने आप में इतिहास है, तो इसके बारे में कुछ बताना ही नहीं है। ससुराल में आकर क्या मायके की याद आती है आपको? आती है। हमारी शादी को तो 21 साल हो गए। 31 साल यार, आपने झगड़े की एक वजह दे दी। मैं भूल नहीं पाता, 31 साल हो गए तो उन्हें मजे की याद आती है। तो बताइए फिर, तो मुझे तो आती आती होगी। क्या आपने संतुष्ट अपने वर्तमान जीवन से? जी। ओके, ऐसा कोई किस्सा जो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं अपनी लाइफ का, बचपन का, व्यवस्था का, शादी का? शेयर अभी हाल ही का कर दूं, पर अभी हम दोनों सदस्यता अभियान में गए थे, तो पता नहीं क्या मुझे एक अजीब सा लग रहा था, या तो मायके जाने की बहुत जल्दी थी, जैसे अभी आपने पूछा मायके की याद आती है कि नहीं, तो वहाँ हम नंबर नोट कर रहे थे, तो मैं इतनी मतलब उत्सुक थी घर जाने के लिए कि सही से नंबर नोट करने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो इन्होंने मुझे जिस तरीके से मतलब हैंडल किया ना, तो तब मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मुझे लग रहा था कि नहीं, मतलब जितनी जल्दी मायके जाने की है उससे कई गुना ज़्यादा मुझे इनके साथ रहने की भी होनी चाहिए। जिस तरीके से हर बात को ना संभालते हैं, वो इनका अलग ही अंदाज है। हाँ, उसको मतलब शब्दों में शायद मैं बयां ही ना कर पाऊँ। वो कहते हैं ना कि कुछ मन की संतुष्टि होती है, उस तरीके का रहता है इनका व्यवहार मेरे साथ। धन्यवाद उसमें लिया आपका हमने जी। हम आपके उत्तम स्वस्थ और आगे उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।